नमस्कार, प्राइम शतक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह और चलिए अब रुख करते हैं देश दुनिया से जुड़ी 100 खबरों पर। सीमा विवाद को लेकर असम के मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी और अमित शाह से की मुलाकात। भारत व यूएई की नौसेनाओं ने अबुधाबी तट पर किया संयुक्त अभ्यास, कौशल व तकनीकी दक्षता की साझा। भारत छोड़ो आंदोलन की 79 वर्षगांठ पर उपराष्ट्रपति ने देशवासियों को दी बधाई, कहा हम सबसे पहले भारतीय हैं। केंद्रीय मंत्री ने जितेंद्र सिंह को कहा कि दिव्यांगत सरकारी कर्मचारियों के दिव्यांग बच्चों की फैमिली बढ़ाई जाएगी पेंशन। एनआईए ने बेंगलुरु में बांग्लादेशी मानव तस्करों के ठिकानों पर मारे छापे, आपत्तिजनक दस्तावेज हुए बरामद। स्वतंत्रता दिवस से पहले भारत हासिल करेगा बड़ी कामयाबी, अंतरिक्ष में तैनात करेगा निगहबान। बिहार की तर्ज पर स्थायी होंगे पैरा टीचर, वेतनमान मिलेगा, टेट नहीं होगा अब सीमित आकलन परीक्षा। आईसीएमआर ने किया दावा, कोविशील्ड और कोवैक्सीन का मिक्स डोज लगवाने वालों में दिखा बेहतर असर। प्रधान न्यायाधीश बोले पुलिस थानों में मानवाधिकार के हनन का खतरा है सबसे ज्यादा। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले केंद्र ने राज्यों से कहा प्लास्टिक से बने झंडों के इस्तेमाल पर लगाएं रोक। यूपी जैसे 14 बड़े राज्यों में घट रहा है वन घनत्व, सीएसई की रिपोर्ट में संसाधनों के अधिकतम दोहन की बात सामने आई। असम मिजोरम के बीच सुधर रहे हालात, 13 दिन बाद बॉर्डर पर ट्रकों का मूवमेंट हुआ शुरू। टोक्यो ओलंपिक खेलों का हुआ समापन, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा भारत के पदकों से पूरा देश गौरवान्वित। चीन के खिलाफ विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध स्थल से भारत के T-90 T-72 टैंक भरेंगे हुंकार। रघुवर का हेमंत सरकार पर हमला, कहा नई नीति से झारखंड की जनता को कोई फायदा नहीं। सीएम योगी आदित्यनाथ की पंचायती राज व्यवस्था को लेकर बड़ी पहल, ब्लॉक प्रमुखों को पत्र लिखकर जताया विश्वास, क्षेत्र पंचायतें उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके करेंगी कार्य। अखिलेश यादव का दावा 2022 में महान दल के साथ बनाएंगे सरकार, कराएंगे जाति आधार पर जनगणना। विपक्ष के गठबंधन का चक्रव्यूह को भेदने के लिए तैयार है भाजपा, चुनाव को लेकर जेपी नड्डा ने जताई संभावना। यूपीपीएससी आरओ एआरओ 2014 भर्ती में सीबीआई ने पकड़ी धांधली, अफसरों के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर। सतीश मिश्रा बोले बीजेपी कर रही ब्राह्मण समाज का अपमान, बिखरू कांड का भी किया जिक्र।
बदायूं में रिपोर्टर्स एसोसिएशन ने भेजी एसपी को ज्ञापन, मीडिया के अधिकारों की बात को किया साझा। फतेहपुर में नदी के जलस्तर बढ़ने से आवागमन हुआ बाधित, पुल न होने की वजह से ग्रामीण हुए आक्रोशित। रायबरेली में युवती ने फांसी लगाकर दी जान, पुलिस ने दिए जांच के आदेश, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। प्रतापगढ़ में फिर से दबंगों के हौसले हुए बुलंद, दबंगों ने महिला को जमकर पीटा, दबंगों ने किशोरी के साथ की हैवानियत। संभल में आप नेता ने सपा पार्टी पर किया प्रहार, कहा 2022 में यूपी में आम आदमी की होगी सरकार। सुल्तानपुर में पुलिस ने मुन्ना भाई को किया अरेस्ट, परीक्षा देने से पहले पुलिस ने किया गिरफ्तार। उन्नाव में लगातार बढ़ रहा गंगा का जलस्तर, जलस्तर बढ़ने से प्रशासन तैयारियों में जुटा। फतेहपुर में चौकी इंचार्ज का हुआ तबादला, नम आंखों से दी गई विदाई। फतेहपुर में पानी में डूबने से मासूम की हुई मौत, परिजनों में मचा कोहराम। हमीरपुर में ऑटो मालिक ने ड्राइवर को जमकर पीटा, पीटने का वीडियो हुआ है वायरल। जालौर में बारिश के बाद उफान पर कई नदियां, वायुसेना ने शुरू किया राहत बचाव काम। कानपुर में अजय कुमार लल्लू ने सरकार पर शाधा निशाना, खेल रत्न का नाम बदलने पर किया वार। लखीमपुर खीरी में मूर्ति तोड़ने के विवाद में लिया गया एक्शन, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। लखीमपुर खीरी में लेखपाल ने गरीब से वसूले हजारों रुपए, घूसखोर को विधायक ने लगाई फटकार। सोनभद्र में योजनाओं पर पलीता लगा रहे पशु चिकित्सा अधिकारी, समस्याओं को अनदेखा कर रहे अधिकारी। आगरा में शहीद के परिवार का आगरा प्रशासन पर फूटा गुस्सा, पुलवामा में शहीद पत्नी को थाने ले गई पुलिस। फतेहपुर में सपाइयों का दिखा प्रदर्शन, आजम खान की रिहाई के लिए किया गया प्रदर्शन। फतेहपुर में अन्ना गौवंशों से परेशान किसान, किसानों की फसलों को कर रहे हैं बर्बाद, सीएम के जनता दरबार में पहुंचे किसान। जौनपुर में पुलिस और गौवंशों के बीच हुई मुठभेड़, पुलिस ने चार गौ तस्करों को किया गिरफ्तार। महाराजगंज में पुलिस ने तीन लुटेरों को किया गिरफ्तार, प्रेस वार्ता कर एएसपी ने दी जानकारी। प्रतापगढ़ में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, पुलिस ने हिस्ट्री शीटर बदमाश को किया गिरफ्तार।
सहारनपुर में हत्या का पुलिस ने किया खुलासा, 3 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार। सहारनपुर में तालाब निर्माण को तरस रहे ग्रामीण, गांव में है जल निकासी की समस्या। लखनऊ में मौलाना खालिद रशीद का बयान आया सामने, कोविड प्रोटोकॉल के तहत मनाया जाएगा मुहर्रम। लखनऊ में आप नेता का योगी सरकार पर आरोप, जल मिशन योजना में हुआ बड़ा घोटाला। कासगंज में अनियंत्रित कैंटर ने कांवड़ियों को रौंदा, हादसे में 2 कांवड़ियों की हुई दर्दनाक मौत, 4 कांवड़िए गंभीर रूप से हुए घायल। कुशीनगर में अज्ञात बदमाशों ने पुलिसकर्मियों को मारी गोली, गोली मारकर फरार हुए बदमाश, घायल सिपाही को सीएचसी में कराया गया भर्ती। रायबरेली में उफनाती नदियों में युवक ने दिखाया स्टंट, नौजवान लड़के कर रहे हैं स्टंटबाजी, नदियों के किनारे कोई भी सुरक्षाकर्मी नहीं है तैनात। अल्मोड़ा में राशन कार्ड की गड़बड़ी पर डीएम हुई नाराज, अभियान चलाकर राशन कार्डों की होगी जांच। चमोली में एनडीआरएफ ने गाय का किया रेस्क्यू, नंदाकिनी नदी में डूब रही थी गाय। चंपावत में डीएम ने बाढ़ पीड़ित गांव का किया दौरा, अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर हुआ जमकर हुड़दंग, पुलिस वालों ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। पंतनगर में ट्रेन से कटकर युवक की हुई दर्दनाक मौत, पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। लक्सर में बेरोजगार रैली पर पुलिस का शिकंजा, कार्यकर्ताओं को रैली में जाने से रोका। लालकुआ में पानी की समस्या को लेकर सौंपा गया ज्ञापन, हेडपंप को सही करवाने की लगाई गई गुहार। मसूरी में आईटीबीपी के 53 अधिकारी हुए पास आउट, सीएम धामी ने अधिकारियों का बढ़ाया हौसला। नरेंद्रनगर में सत्संग का किया गया भव्य आयोजन, संत ब्रह्म कुमार ने सुनाया सत्संग। रोशनाबाद में हॉकी खिलाड़ी को खेल मंत्री ने दी बधाई, वंदना कटारिया के घर पहुंचकर की परिवार से मुलाकात। विकासनगर में शिक्षिका को मिला तीलू रौतेली पुरस्कार, सीएम धामी ने शिक्षिका को किया सम्मानित। चंपावत में आशा कार्यकर्त्रियों के समर्थन में आई आप पार्टी, कई दिनों से चल रहा है प्रदर्शन। उत्तराखंड में कोविड संक्रमण का बढ़ा खतरा, गंगा घाट पर उमड़ी भीड़। चमोली में अमृत महोत्सव कार्यक्रम का हुआ आयोजन, शहीदों के परिजनों को किया गया सम्मानित।
भाजपा नेता दुष्यंत कुमार का बड़ा बयान, चेहरे पर नहीं चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे चुनाव। पौड़ी गढ़वाल में नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को किया गया जागरूक, कहा हम बदलेंगे तभी बदलेंगे हालात। हरिद्वार में चैंपियन ऑफ चेंज कार्यक्रम का हुआ आयोजन, कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे डीएम, डीएम ने कहा कोरोना से डटकर लोगों ने किया सामना। तालिबान समर्थक देशों को भारत का कड़ा संदेश, टेरर फंडिंग करने वाले देशों को जवाबदेह ठहराए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय। पाकिस्तान के अब बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों में हुई तोड़फोड़, 10 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। तीन दिन में तीसरी प्रांतीय राजधानी पर तालिबान का कब्जा, अफगान सेना के हवाई हमलों में 572 आतंकी हुए ढेर। पाकिस्तान के गुंजरावाला जिले में सिलेंडर विस्फोट, 9 लोगों की हुई मौत, 7 लोग गंभीर रूप से हुए घायल। जंगल में लगी भीषण आग से सहमा ग्रीस, विमानों से ली जा रही मदद। पाकिस्तान के क्वेटा में लग्जरी होटल के पास विस्फोट में 2 पुलिसकर्मियों की हुई मौत, 8 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। अफगानिस्तान को हमेशा हिंसाग्रस्त देखना चाहता है पाकिस्तान, रिपोर्ट में हुआ खुलासा। तालिबानियों को बख्शने के मूड में नहीं है अमेरिका, हवाई हमले में मार गिराए गए 200 से ज्यादा लड़ाके। चीन में बढ़ रहे कोरोना के मामले, सरकार ने बीजिंग में लगाया यात्रा प्रतिबंध। ब्रिटेन ने भारत से आने वालों को यात्रा प्रतिबंध में दी छूट, अब क्वारंटीन होना नहीं जरूरी। नेपाल में सत्तारूढ़ गठबंधन ने घोषित किया साझा कार्यक्रम, सुलझाया जाएगा काला पानी का मसला। तालिबान में अफगानिस्तान में नए क्षेत्रों पर जमाया कब्जा, महिलाओं को जिहाद अल निकाह करने के लिए कर रहा मजबूर। क्वाड की ताकत से चिंतित हुआ चीन, क्वाड को 4 देशों के एक साथ काम करने की क्षमता वाला बताया। तालिबान ने जेल तोड़कर 700 लड़ाकों को कराया आजाद, अफगान के 3 प्रांतों में शरिया शासन लागू। भारत ने तालिबान समर्थक देशों से कहा अफगानिस्तान का अतीत उसका भविष्य नहीं हो सकता। हिजबुल्ला नेता हसन नसरुल्लाह बोले भविष्य में इसराइल के किसी भी हवाई हमले का देंगे जवाब। कोरोना से चीन भी नहीं उभरा, बीजिंग में नए ट्रैवल प्रतिबंध लागू तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पोस्टपोन। रूस के मैकेनिक ने बनाई ड्रैगन कार, 20 फीट दूर फेंक सकती है आग की लपटें।
भारत से यूएई का सफर हुआ महंगा, 50% तक बढ़े टिकट के दाम, महंगे दामों पर सफर कर रहे यात्री। कोरोना से रिकवरी के बाद वैक्सीन नहीं लगवाने वाले मरीजों के दोबारा संक्रमण होने की संभावना हुई दुगनी, सीडीसी की स्टडी में दावा। टैक्सपेयर्स को बड़ी राहत, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में शिकायत दर्ज कराने के लिए शुरू की गई नई सुविधा। ऑनलाइन कंपनियों उत्पादों पर कैसे दे रही 80% तक की छूट, भारतीय कारोबारियों ने की जांच की मांग। बायजूस कंपनी गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को देगी 2 करोड़ रुपए, पीवी सिंधु, मीराबाई चानू व अन्यों को मिलेगा इनाम का ऐलान। फर्जी ऐप की अब खबर खैर नहीं, डिजिटली उधार देने वाले प्लेटफॉर्म्स की जांच करेगा आरबीआई। भारत में चलेगी पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित ट्रेन, सोनीपत जिंद स्टेशन पर इस ट्रेन के चलाने के लिए टेंडर प्रक्रिया भी की गई जारी। हैट्रिक गर्ल वंदना कटारिया बनी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर। मीराबाई चानू को लग सकता है झटका, पेरिस ओलंपिक से बाहर, हो सकता है वेटलिफ्टिंग। टोक्यो ओलंपिक का हुआ समापन, 339 इवेंट में 11,000 एथलीट्स हुए शामिल, बजरंग पूनिया ने की भारतीय दल की अगुवाई। बारिश की वजह से ड्रॉ हुआ नॉटिंगहम टेस्ट मैच का पहला टेस्ट मैच, जसप्रीत बुमराह ने 8 विकेट लेकर बनाया रिकॉर्ड। खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलने पर मचा बवाल, कांग्रेस ने मोदी स्टेडियम का नाम बदलने का के लिए कहा, गौतम गंभीर ने विरोध जताते हुए ध्यानचंद के नाम पर ना हो राजनीति। अली अब्बास जफर की अपकमिंग फिल्म में शाहिद कपूर के साथ नजर आएंगी भूमि पेंडलेकर, फिल्म के फीमेल लीड निभाएंगे किरदार। कुरान कबूल स्टार द एम्पायर का ट्रेलर हुआ रिलीज, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 27 अगस्त को होगी फिल्म रिलीज। ध्यानचंद बायोपिक पर अब 9 साल का इंतजार हुआ खत्म, अगस्त में के एंड में होगी फिल्म का अनाउंसमेंट। करण जौहर ने कभी खुशी कभी गम के स्टाइल के साथ बिग बॉस के घर में मारी एंट्री, बिग बॉस ओटीटी पर मचाएगा धमाल। बेल बॉटम का प्रमोशन करने के लिए कपिल शर्मा के पहले मेहमान बनेंगे अक्षय कुमार, सेट से आशीर्वाद लेते हुए सामने आई तस्वीर। और इसी के साथ प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।